करता है, पर वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि ये जादुई ऑटो है और रवि इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगली सुबह जब रवि राजू के ढाबे की तरफ आता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि राजू आराम से अपने ऑटो ढाबे में खाना बेच रहा होता है। रवि को परेशान देखकर राजू उससे बोलता है, मेरा ऑटो टूटने के बाद मैं शिव मंदिर गया था, जहाँ बैठकर मैं बहुत देर रोया। मेरे रोने से शिव जी को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने प्रकट होकर मुझे ये जादुई ऑटो दे दिया, जिसमें ना कभी खाना खत्म होगा और ना ये कभी टूटेगा, इसलिए ये सब करना बंद कर दे। रवि ये सब सुनकर वापस आ जाता है, पर अब उसके दिल में जलन की जगह लालच ने ले ली थी। उसी रात वो भी मंदिर जाता है और रो धोकर एक जादुई ऑटो ले आता है, पर जैसे ही वो उस ऑटो से कुछ मांगता है तो उसमें से कुत्ते निकलने लगते हैं और उस पर हमला करके उसे बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। वहीं उधर राजू लोगों को पेट भर खाना खिलाकर सबकी दुआएं ले रहा था और अब वो अपने ढाबे पर लोगों को रोजगार भी दे रहा था। इस तरह से वो अपना एक सुखमय जीवन जीता है।